सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ है TVS Ntorq का XP एडिशन, एक्स्ट्रा पावर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है, इससे ऊपर आपको कोई भी वेरिएंट नहीं मिलता है। तो एक बार इसका लुक चेक करो आप लोग, कुछ इस टाइप से इस गाड़ी का लुक है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और ग्राफिक इस गाड़ी को दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे बोल्ड और एजी डिज़ाइन इस गाड़ी में मिलता है आप लोगों को। तो फ्रंट से अगर बात करेंगे तो इस गाड़ी में सबसे पहला जो मेन अट्रैक्शन है इस गाड़ी का, वो रहा ये पूरा DRL यूनिट। और इसका ये पूरा LED सेटअप है जो कि काफ़ी अच्छा थ्रो है गाड़ी का, और काफ़ी अच्छा लगता भी है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है। तो यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग मिल जाएगी। और एक और पर्सनली मुझे अच्छा फीचर लगा कि आप लोगों को पूरा हैजार्ड का स्विच आप लोगों को इस गाड़ी में मिल जाएगा, जो कि अभी तक किसी भी गाड़ी में कंपनी नहीं देती है। यहाँ पे से ही इस गाड़ी का स्विच मिल जाएगा हैजार्ड का, आप लोग ऑफ कर सकते हो, इसको ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा फ्रंट पैनल। यहाँ पे Ntorq की बैजिंग, यहाँ पे RTFI का नाम से ये मिलता है आपको, इसका मतलब होता है कि रेस ट्यून इंजन आपको मिल जाता है FI इंजन के साथ। यहाँ पे XP की बैजिंग 125cc में एक्स्ट्रा पावर, नॉर्मल Ntorq से ये एक्स्ट्रा पावर एडिशन निकाला है TVS वालों ने। तो कुछ इस टाइप से दिखता है फ्रंट प्रोफाइल। टायर साइज़ की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 100x80 12 टायर, 12 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। रेड कलर आप लोगों को अलॉय मिल जाते हैं। साथ ही साथ मेन जो है इस गाड़ी में डिस्क मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डिस्क है, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी एनहेंस हो गई है गाड़ी की, इम्प्रूव हो गई है। यहाँ पे ये पूरा मैट ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट में, तो आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग अपने हिसाब से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे से आपका फ्यूल लीड ओपन मिल जाता है, 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे Ntorq 125cc की बैजिंग। ये रही सीट, फैब्रिक सीट है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अपॉलिस्ट्री काफ़ी अच्छी है सीट की। तो यहाँ पे मेन जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये गाड़ी आती है, तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको ये गाड़ी शो करती है, एक बार आप लोग चेक करो। इतने सारे इंडिकेटर्स ये गाड़ी शो करती है, काफ़ी सारे। यहाँ पे दो मोड्स मिलता है, इको और पावर। यहाँ पे टाइम शो होता है, यहाँ पे आपका मोड शो हो रहा है स्ट्रीट मोड। यहाँ पे हीट और कोल्ड का आपको टेम्परेचर मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर्स, यहाँ पे ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, आपको सब कुछ इसमें मिलता है। यहाँ पे स्पीड मिल जाती है, यहाँ पे किलोमीटर्स ड्रिवन, यहाँ पे 0 to 60 भी आपका चेक होगा कि आप लोग किस रेंज अपनी गाड़ी पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ किल स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे हैजार्ड इंडिकेटर शो ऑन करने का। तो यहाँ पे आपका सेल्फ मिल जाता है, नीचे चाबी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक कैरी बैग मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, आप लोग कुछ भी कैरी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो कुछ इस टाइप से दिखता है रेयर प्रोफाइल, काफ़ी अच्छा लगता है रेयर प्रोफाइल गाड़ी का। आप लोग फुल LED सेटअप इस गाड़ी में चेक कर सकते हो, पीछे भी इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है आपको, एक बार चेक करो आप इंडिकेटर भी पीछे, कुछ इस टाइप से चलते हैं इंडिकेटर पीछे से। तो काफ़ी अच्छा है, फुल्ली मतलब स्कूटियाँ जो है फुल स्पोर्टी टाइप में आप लोगों को डिज़ाइन करी गई है। तो पावर की अगर बात करेंगे तो ये एक 125cc इंजन है, जिसमें कि आपको पावर प्रोड्यूस होती है 10.9 BHP एट द रेट 4500 RPM। तो चलिए इसका सीट खोल के चेक करते हैं, सीटिंग वगैरह आप लोगों का यहाँ सब यहीं से खुलेगा, फ्यूल लीड वगैरह। तो सबसे पहले ये तो आपका फ्यूल लीड के लिए, आप लोग यहाँ पे से अपना फ्यूल लीड खोल सकते हैं, और इसको अगर राइट साइड घुमाएंगे तो आप लोगों की सीट खुल जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हो, आपको लगेज लैम्प कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो आप, काफ़ी अच्छा फीचर है। चार्जर मिल जाता है साथ साथ आपको, यहाँ पे एक चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक चार्जर भी आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, साथ साथ यहाँ पे लैम्प। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे स्पेस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है, चार्जर के साथ साथ ये गाड़ी आपको प्रोवाइड की गई है। तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा इसका। यहाँ पे CVTI RED का है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, ये रहा पीछे का अलॉय, यहाँ पे पूरा साइलेंसर है, यहाँ पे Ntorq 125cc की बैजिंग। तो ग्राफिक्स आप लोग चेक कर सकते हो, रेड और ब्लैक कलर में इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। तो अभी मैं हूँ वैभव TVS में, जो कि चमोली गैरसन में उत्तराखंड में है शोरूम, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको इनका
नंबर दे दूंगा आप लोगों को, कोई भी अगर जानकारी लेनी है गाड़ियों के बारे में, स्कूटी बाइक कोई भी बाइक आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, सारी की सारी बाइक्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर एंटॉर्क का एवेंजर एडिशन या फिर सुपर स्क्वाड एडिशन आप लोग कह सकते हो, साइड में आपको रेडर मिल जाएगी, अपाचे टीवीएस जुपिटर का नया एडिशन, एंटॉर्क का रेसिंग एडिशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। तो इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस तकरीबन आपको 90,000 मिलती है, डिपेंड करता है आपके शोरूम के हिसाब से, डीलर के हिसाब से कि आप लोगों को ऑन रोड प्राइस क्या मिलेगी। कंपनी इसका मतलब एक्स शोरूम इतना 89 point something देती है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। तो एक बार इस गाड़ी का साउंड सुना देता हूँ आप लोगों को। कुछ इस टाइप से साउंड आता है। तो ये पूरा DRL सेटअप है इस गाड़ी का, कुछ इस टाइप से आता है। तो काफ़ी अच्छी दिखती है गाड़ी, मतलब साउंड भी काफ़ी स्पोर्टी साउंड है गाड़ी का।